दोस्तों ये चढ़ाई मची थी। इसके बाद पूरा ब्राड़सर लेक था, बस यहीं से मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये 2 किलोमीटर चढ़ाई और करनी है वापसी के लिए, फिर वहाँ से 10 किलोमीटर पीछे जाना है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम कभी ब्राड़सर समीट करेंगे। इस बार रास्ता भी देखा नहीं था इसलिए हो नहीं पा रहा, और साथ वाले भी पीछे चले गए। तो मैं डिसीज़न काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये डिसीज़न लिया, मुझे वापस होना चाहिए, क्योंकि बारिश की भी कोई संभावना नहीं। और कपड़े भी मेरे ऐसे नॉर्मल है, सॉक्स जूते गीले हो चुके हैं, और फिर ये चढ़ाई भी क्रॉस करनी है, और पानी पानी नहीं मिला था, तो पानी पानी के खातिर मैं यहाँ तक आया था। तो यहाँ फाइनली मैंने 2 कप पानी पिए, और फिर पानी प्यास समाप्त हो गई थी, 1 कप और पी रहा हूँ, और 1 कप साथ में लेके जा रहा हूँ ताकि इस रास्ते में पी सकूँ, और पानी का स्टोर मेरी बॉडी में बना रहे। इसलिए अब फिर मैं इसी रास्ते वापस जाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऊपर से कहीं कहीं से मैं आपको ब्राड़सर का वो नज़ारा भी दिखाऊंगा, जो बेहद खूबसूरत है। मैंने कुछ पिक्चर ऊपर से ली थी, हालांकि ये किसी अगर ट्रैकर के आना होगा यहाँ, तो ये 9 से 10 दिन का बेस्ट ट्रैक है, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का ट्रैक है किसी भी ट्रैकर के लिए। हालांकि हमारा 3रा दिन था, 4 दिन में ही अच्छे से प्रॉपरली हो जाता, लेकिन हम 3 ही दिन में से समाप्त कर रहे हैं।